नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी वेट लॉस पे, उसके बाद मेरे पास कई बंदों की इंक्वायरी आई है मैसेज पे और फोन पे भी कि मैडम हम तो गर्म पानी पीते हैं और हमारा तो वेट कभी कम नहीं हुआ। एक लेडी है, उन्होंने कहा कि रमा मैं तो पूरा का पूरा सर्दियों गर्म पानी पीती हूँ, मेरा तो वेट कभी नहीं कम हुआ। और बाकी लोगों का भी यही कहना था कि गर्म पानी पीते उनका वेट कम नहीं होता कभी भी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वीडियो आपने ध्यान से देखी ही नहीं है, वीडियो में गर्म पानी का कहीं जिक्र ही नहीं है। वीडियो में है उबले हुए पानी का जिक्र, आपको उबला हुआ पानी पीना है। और मैंने मेंशन भी किया था कि उबला हुआ पानी लेना है, जिसको जिस वक्त आप पियेंगे वो बहुत गर्म फील होगा और जब आप उसे पी रहे होंगे तो उसमें आपका मुंह जलेगा, तो आसान नहीं होगा। आप थोड़ा पानी चम्मच से सिप कर करके पी लेना और उसके बाद जो बाकी बचे उसे डायरेक्ट पी लेना। तो गर्म पानी में और उबले हुए पानी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपको जो पानी पीना है वो उबला हुआ पीना है। जब भी आप खाना खाते हैं, आपने ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है या डिनर किया है, उस या बीच में कुछ भी खाया है आपने, खाना खाने के तुरंत बाद आपको एकदम उबला हुआ पानी लेना, बिल्कुल बॉइल्ड। जैसे ही बर्तन में उबलना शुरू हो उसे कप में या गिलास में डाल लो और फिर उसे गर्म गर्म ही पीना है। चीनी मिट्टी के बर्तन में लोगे तो पीने में आसानी रहेगी, स्टील का जो बर्तन होगा स्टील के गिलास से होंठ जलेंगे और मुश्किल होगी आपको पीने में। सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी वेट लॉस के लिए वो ये है, एक लड़की ने मुझे एक लिंक भेजा एक यूट्यूबर का, उसने ये कहा कि मैंने ये वाली वीडियो देख के अपना वेट कम करने की कोशिश की है और मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है बहुत ही ज़्यादा और मैं बीमार पड़ गई हूँ इससे। तो जब मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में था कि सिर्फ एक दिन में 5 किलो वजन कम कीजिए, आपके शरीर के अंदर 5 किलो तक पोटी जमा रह सकती है आपके हाथों में। जो आप ये उपाय करेंगे तो आपकी 5 किलो की 5 किलो जो पोटी जमा है बॉडी में वो सारी एक ही दिन में निकल जाएगी और आपका वेट 5 किलो कम हो जाएगा। प्लीज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह की वीडियो को देख के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, अपने ऊपर दया कीजिए। हमारा शरीर नहीं बनाए कि एक ही दिन में हम 5 किलो अपना वेट कम करें। और 5 किलो कभी भी पोटी बॉडी के अंदर रह ही नहीं सकती, कोई बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल केस हो, हद से ज्यादा जिसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लेक्शन आए हुए हो तब ये हो सकता है। आम लोगों में नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। आप लोग अपने आप को नॉर्मल लोगों में काउंट कीजिए, ना कि इस तरह के मेडिकली अनफिट जो बिल्कुल ही जिसको कि, और इसका भी कोई अपने आप उपचार मत करो। जब आपका सीवियर कब्ज बना हुआ है और आपकी पोटी नहीं आ पा रही है किसी भी हालत में और आपने कुछ भी कर लिया, इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से ये हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की हेल्प लीजिए। तो अब आती हूँ मैं मुद्दे पे। उस वीडियो को देखने के बाद उस लड़की ने वो उपाय किए जो उन्होंने बताए हुए थे यूट्यूबर ने, और जब उन्होंने वो उपाय किए उस लड़की ने, उसको सुबह सुबह कई बार वो लूज मोशन हुए और जिस वक्त उसके लूज मोशन हुए तो वो, अब लूज मोशन में उसका वेट तो कम हुआ नहीं हुआ। उस लड़की के मुताबिक उसने कहा कि जब उसको लूज मोशन लगे सुबह और शाम होते होते उसकी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई। तो उसका स्वेलिंग आने का रीजन ये होता है कि जब आपके हद से ज्यादा पानी बॉडी से आपका निकल गया है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, जब डिहाइड्रेट हद से ज्यादा बॉडी हो जाती है तो बॉडी अपने रिपेयरिंग सिस्टम पे चली जाती है और बॉडी को ये लगता है कि पानी एक्सेस में बॉडी से बाहर ना निकल जाए, वो वाटर को रिटेन कर लेती है। अब जब पानी रुकेगा शरीर में वो स्वेलिंग को बढ़ा देता है और हमें लगता है कि हम
सूझ गए हैं। जब भी कोई अपना वेट इस उल्टे सीधे तरीके से कम करने की कोशिश करता है, यही होता है कि उनकी बॉडी सूज जाती है। कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी सूज जाती है, क्योंकि वो लगातार लगातार हार्मफुल चीजें कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के साथ। अब इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे अपनी बॉडी को ले गए हैं कि बॉडी को अपने सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम पे आके बॉडी का वेट और वाटर दोनों रिटेन करने पड़ते हैं, जिससे कि बॉडी और ज्यादा खराब ना हो। बॉडी को ये नहीं लगता कि ये वेट लॉस हो रहा है, बॉडी को लगता है कोई सिवियर प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये वेट इतना ज्यादा गिर रहा है, और वो वेट को भी रिटेन कर लेता है और वाटर को भी। और उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी ये उपाय आजमा लो, आपका वेट पहले से ज्यादा वापस आ जाता है और सूजन अलग से बॉडी पे आ जाएगी। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा बहुत बार कि जो लोग वेट कम करते हैं, कुछ टाइम बाद उन्हें लगता है कि हम मोटे नहीं हैं, हम फूले हुए हैं, हम सूजे हुए हैं। दूसरा, मुझसे एक लड़की ने कहा कि मैडम, एक और यूट्यूबर ने मेथी का दिया हुआ है कि मेथी का पानी पियो और आपका वेट कम होगा। मेथी का पानी आप तब पी सकते हो जब बहुत सर्दियां पड़ रही हो और आपकी एज ज्यादा हो, 40-45 और या अबव हो। लेकिन अगर आप कम एज में मेथी के पानी को पियेंगे, तो जो मेथी का पानी है, वो मेथी बहुत गर्म होती है, आपकी बॉडी में वो गर्मी कर देगी। हर किसी के लिए मेथी नहीं होती। जिनको बड़ी एज में जाके या कम एज में वायु की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, उनको मेथी का यूज करना चाहिए। या जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या ये सब जो चीजें होती हैं, ये बड़ी उम्र की बीमारियां हैं, तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो टीनेज में हैं, जो 20s में हैं, वो प्लीज मेथी के पानी से अपना वेट कम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आपका वेट तो कम होगा नहीं होगा, लेकिन आपको उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। एक तीसरा, मुझे जो फोन आया, उन्होंने कहा कि मैडम, दिन में कई बार कॉफी का पानी पीना है, उबले हुए पानी में कॉफी डाल के और वो पीना है, तो उससे भी वेट कम हो जाएगा। प्लीज इस तरह कॉफी मत लीजिए। आप दिन में 3 बार कॉफी ले रहे हो, कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में हो जाएगी। कैफीन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जब आप उबले हुए पानी में कॉफी ले सकते हो, तो उबला हुआ पानी क्यों नहीं ले सकते आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं कि जो ये उबले हुए पानी का उपाय है, ये बहुत ही सेफ उपाय है। इससे शरीर का वजन तो कम होता ही होता है, इसके साथ ही साथ बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जो बॉडी में विषैले पदार्थ हैं, जो इधर उधर जमा हो गए हैं, किडनी पे, लीवर पे, पूरी बॉडी में ओवरऑल, वो भी क्लियर हो जाते हैं। और ये एकदम सेफ है, पानी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। खाना खाने के बाद उबला हुआ पानी लीजिए, एकदम उबला हुआ। अब ये मत कहना कि हम तो गर्म पीते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता। उबला हुआ पानी लेना है, बिल्कुल बॉइल्ड वाटर। तो बॉइल्ड वाटर जब आप लेंगे, तो आपकी जठराग्नि और ज्यादा तीव्र होगी, आपका भोजन अच्छे से पचेगा। और जब आपका भोजन अच्छे से पचेगा, तो जो शरीर में हमारे 7 तरह की धातुएं हैं, वो प्रॉपर तरीके से बनेगी, हमारा शरीर प्रॉपरली वर्क करेगा। और जिनमें से मेद भी एक धातु है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रही और आगे अपने और आगे धातुओं को नहीं बना पा रही है, तो वो मेद फैट बन के हमारे बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। वो फैट इकट्ठा ना हो, सारी धातुएं प्रॉपरली बने हमारे शरीर में, हमारा शरीर प्रॉपरली वर्क करे, हमारा शरीर फिट हो, स्लिम हो और हमारे अंदर ताकत हो भरपूर। ये तब होगा जब हम हेल्दी तरीके से अपने वेट को कम करेंगे। लेकिन अगर हमने ऐसे उल्टे सीधे उपाय करे और वेट कम करने की कोशिश की, वेट तो बिल्कुल कम नहीं होगा। 2-4 दिन आपको फर्क लगेगा, हफ्ता भर फर्क दिखेगा, लेकिन जब आपका वेट वापस आएगा, तो आप बहुत पछताओगे और इन सब चीजों से आपका मन उब जाएगा। फिर आप सोचोगे, चलो हम तो ऐसे मोटे ही ठीक है, हमें वेट कम करना ही नहीं है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि मोटापा बढ़ाने के जो कारण हैं, उनको दूर कीजिए, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि
ये आई बटन पे आप क्लिक करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं वेट लॉस की, तो वो वीडियो आप प्लीज जरूर देखिए, जिसमें जो कारण बताए गए हैं उन कारणों को दूर कीजिए और खाना खाने के तुरंत बाद उबला हुआ पानी पीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैंने बहुत लोगों का वजन कम किया और मेरा जब भी वजन बढ़ता है मैं 2-3 महीने उबला हुआ पानी पीती हूँ, मेरा वेट कंट्रोल हो जाता है, फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर मेरा वेट हद से ज्यादा कम हो जाता है, मेरे गाल अंदर चले जाते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा पतली दिखने लगती हूँ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा ऐसे हल्का सा चबी होना अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल गाल ही अंदर धस जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये उपाय बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसे कीजिए और ये सेफ है, सबसे बड़ी बात है कि ये सेफ है। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को अगर शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का पहले से ही शुक्रिया। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।